ध्रुवम फाउंडेशन द्वारा स्पेशल बच्चों का गीत संगीत के जरिए मनोरंजन किया। संस्था के सदस्यों ने बच्चों के साथ भोजन कर उन्हें प्रोत्साहित किया। सामाजिक कार्य करने वाला ध्रुवम फाउंडेशन संस्था द्वारा औरों को भी प्रेरित किया जा सके वो काम किया गया है। इस संस्था के फाउंडर मेघना पटेल तथा सदस्य और स्वयं सेवकों ने मिलकर बेगमपुरा इलाके में स्थित स्पेशल बच्चों की स्कूल में भोजन और गीत संगीत का प्रोग्राम आयोजित किया। संस्था के सदस्यों ने स्पेशल बच्चों को भोजन कराया और उनके साथ भोजन भी किया। इसके अलावा गीत और संगीत के जरिए उनका मनोरंजन किया और ऐसे बच्चों का दिमाग विकसित हो तथा वे और जागृत हों इसलिए कार्यक्रम के जरिए उन्हें इनाम और सर्टिफिकेट देकर उनका मनोबल बढ़ाया। इस प्रोग्राम में ध्रुवम फाउंडेशन के चेयरमैन मेघना पटेल, पूर्व कॉरपोरेटर असद कल्याणी, लाल खान पठान एकता ट्रस्ट के प्रमुख हाजी जब्बार पठान, सहायता चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख अनवर भाई कपाट वाले, नाजिम शाह कादरी सहित सभी सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि उपस्थित रहे। मेरा नाम मेघना पटेल है। ध्रुवम फाउंडेशन के फाउंडर होने के नाते पहले तो मैं पत्रकार आप सबका थैंक यू अभिनंदन करती हूँ कि आप ये प्रोग्राम में आए, जो समाज के लिए एक मैसेज का प्रोग्राम है कि यहाँ पे महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो मेंटली डिसेबल बच्चे बोले जाते हैं स्पेशल चाइल्ड, उनकी यहाँ पे स्कूल है, उनको एक्टिविटीज और कैसे जीवन जीना चाहिए वो सिखाते हैं। और इसमें आप सब भी आए और हम भी आए और यहाँ पे खाने का कार्यक्रम रखा गया, उसके साथ बच्चों ने डांस किया, डांस कंपटीशन हुई, संगीत कंपटीशन हुई, इनको इनाम मिला और इनकी अंदर की जो खुशी मिली क्योंकि उनके लिए कोई स्पेशल आया और उनके साथ जो वो भावुक होके जो नाचे हैं वो देख के आज ग्रोम फाउंडेशन की तरफ से मैं यहाँ पे पत्रकार को, यहाँ पे मेरी साथ में जो वॉलंटियर्स टीम है वो सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जैसे लोग जुड़े हुए, एडवोकेट लोग जुड़े हुए, सबको मैं खूब खूब शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं वैसे सेवा का काम हम लोग मिलके सब 15-17 साल से करते हैं, लेकिन अभी हम लोग एक रूटीन में एक टीम बना के हर रोज हर हफ्ते एक मीटिंग करते हैं जिसमें हम अगले कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और अगले कार्यक्रम को हम सक्सेस करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे बच्चों के बीच, महिलाओं के बीच, हॉस्पिटलों में ऐसे काफी सेवा के काम करते हैं और करना चाहते हैं। और समाज के हर एक इंसान को हम बोलना चाहते हैं कि ऐसी मुहिम में जुड़ो और सब कदम से कदम मिला के ऐसे कार्य करें जिससे हमारा समाज, हमारा जो सोशल समाज है वो आगे बढ़े और सबको उसका फायदा मिले। असद कल्याणी, क्या कार्यक्रम रखा गया? ये जो हम खड़े हैं यहाँ पर, ये सूरत में बेगमपुरा विस्तार में आई हुई एक महादेव ट्रस्ट संचालित डाउन सिंड्रोम बच्चे की जो ग्रोथ में पैक होते हैं ऐसे बच्चों की स्कूल है। यहाँ पर एक एनजीओ ने एक कार्यक्रम दिया है जो बच्चे करीबन 150 के करीब यहाँ पे बच्चे खूब सुविधा सज्ज ये स्कूल है महादेव ट्रस्ट संचालित, जहाँ पर ध्रुवम फाउंडेशन नाम की संस्था ने आज रोज यहाँ पर इन बच्चों के साथ में खाना खिलाया और साथ में खाना खाया और इनके साथ में एंटरटेनमेंट, कल्चर प्रोग्राम्स, डांस वगैरह, गीत गाने का प्रोग्राम और कुछ स्पीच का प्रोग्राम, अच्छे बच्चों को डेवलप हो सके, उनका माइंड डेवलप हो सके, उसके एक जागरूकता के तौर पर एक कार्यक्रम यहाँ पे किया है। खूब बढ़िया एक कार्यक्रम इन बच्चों के साथ में, ये ऐसा बोला जाता है कि ये बच्चे लोग है जो एक भगवान का रूप होते हैं और ये बच्चे तो असल भगवान ही है, भगवान का रूप नहीं, हम तो इसको भगवान ही मानते हैं, जहाँ गए वो सुखी हो गया फैमिली, वो फैमिली ये बच्चे है। ये बच्चों की स्कूल है, यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ से मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो बोलना सीखे, जो चलना सीखे और काफी मगज डेवलप किया है इस स्कूल के अंदर। ये स्कूल के अंदर आज बच्चों के साथ में ध्रुवम फाउंडेशन की ओर से इनके साथ में खाना साथ में खाया और इनको एक एंटरटेनमेंट रूप में एक कल्चर प्रोग्राम, डांसिंग प्रोग्राम भी किया और उसमें एक इनको विजेता के रूप में तमाम बच्चों को सर्टिफिकेट भी इश्यू किए गए जिनके इनका माइंड भी डेवलप और इनका एक प्रोत्साहन भी बढ़े। इस कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित है? इस कार्यक्रम में काफी लोग, ध्रुवम फाउंडेशन के चेयरमैन बेन मेघना बेन, हमारे कल्पेश बारोट सोशल समाज सेवी भाई, सहायता केंद्र एकता ट्रस्ट और हमारे मुस्लिम चन्नी वाला, लाल खान पठान, पत्रकार भाई शरीफ शेख, सहायता फाउंडेशन और काफी बहने सोशल एक्टिव एनजीओ और हमारी दूसरी बहने भी यहाँ पे, दूसरे ट्रस्ट भी आज साथ में शामिल हुए हैं जिन्होंने एंटरटेनमेंट किया है बच्चों का और उनका डेवलप हो इस प्रकार का। काफी लोग साथ में सोशल जो एनजीओ है उन लोगों ने और प्राइवेट ग्रुप्स भी है, लड़के लड़कियां जो यहाँ पे आके कार्यक्रम।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।